बॉडी वेट, बॉडी वेट 4.5 kg वेट ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस बॉडी वेट 4.5 kg वेट ऑन अर्थ सरफेस, हाउ मच विल बी द वेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ द, हाउ मच विल बी वेट ऑफ दैट प्लैनेट, वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन प्लैनेट, ऑन प्लैनेट हुज मास 1/9, ऑन प्लैनेट हुज मास 1/9 मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस हाफ ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ द अर्थ। ओके, तो देखो इस तरह से आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसे एक बार जान लेना है कि इसके अंदर आपको क्या पूछा है, आपको क्या सॉल्व करना है। ओके, तो देखो एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल एक बार फिर से रीड कर कर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अ बॉडी वेट 4.5 kg वेट ऑन द अर्थ सरफेस, ओके मीन्स एक बॉडी है जिसका अर्थ सरफेस के ऊपर वेट कितना है 4.5 kg है। देन नेक्स्ट उसी बॉडी को हम क्या करेंगे, किसी अदर प्लैनेट के ऊपर पुट करेंगे, किसी अदर प्लैनेट के ऊपर अगर हमने उसे प्लेस किया उसका वेट कितना होगा। ओके, बट वो जो किसी अदर प्लैनेट के ऊपर, जो जिस प्लैनेट के ऊपर हम उसे प्लेस करें, वो जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का मास क्या है, उस प्लैनेट का मास एज कम्पेयर टू अर्थ कितना है, 1/9 है। ओके, एज कम्पेयर टू अर्थ उसका मास कितना है, 1/9 है। एंड उस प्लैनेट का रेडियस भी कितना है, अर्थ के रेडियस से कितना है, हाफ है। ओके, अर्थ के रेडियस से उसका रेडियस कितना है, हाफ है। और ऐसे प्लैनेट का आपको उस बॉडी का वेट मेजर करना है जिसका वेट अर्थ सरफेस के ऊपर कितना है, 4.5 kg है। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन डेटा राइट करेंगे। गिवन डेटा क्या क्या दिया है, गिवन डेटा के अंदर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ओके वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, डब्ल्यू सरफेस ई कितना है, वो 4.5 kg। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा है, मास ऑफ प्लैनेट का है। ओके, मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया है, ओके जस्ट अ सेकेंड, अब स्क्रीन चालू है ना, यस सर। हाँ ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, वेट ऑफ वेट ऑन अर्थ दिया है, कितना दिया है, 4.5 kg। देन नेक्स्ट मास ऑफ अदर प्लैनेट, मास ऑफ अदर प्लैनेट कितना है, 1/9 एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। ओके, मीन्स क्या हुआ, 1/9 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ, मीन्स डायरेक्टली कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ से कितना है, 9th में, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से मास ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, फिर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9th हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाय 0.5 9। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट दिया, मीन्स आर पी। ओके, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना दिया है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ टू, मीन्स क्या होगा, रेडियस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ टू मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, हाफ है, मीन्स आर बाय टू हो गया। ओके, नाउ इतना सारा आपको गिवन डेटा दिया है। देन नेक्स्ट अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो बॉडी, इस बॉडी का वेट कितना होगा अदर प्लैनेट के ऊपर, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स आपने वेट एट अर्थ कितना दिया, 4.5 दिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या है, वेट एट प्लैनेट आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मीन्स व्हाट, वेट एट प्लैनेट इज इक्वल टू व्हाट कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वेट एट अर्थ कितना है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो वेट एट अर्थ कितना है आपको 4.5 दिया है, मीन्स वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एम ए इंटू जी रहता है। क्या रहता है, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, एम इंटू जी रहता है। अब देखो यहाँ पर जी है, जी की जगह पर मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जी की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, यस सर। कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू ई हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट उसी तरीके से डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी मीन्स वेट एट प्लैनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एज इट इज रहेगा, जी के लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट एम, एम मीन्स व्हाट, मास ऑफ प्लैनेट होगा एम पी। देखो यहाँ पर हमने एम एम लिया है, मीन्स यहाँ पर क्या है, जनरल लिया है हमने। ओके, मास एम मीन्स मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर एम पी हम क्या कर रहे हैं, वेट एट प्लैनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें मास भी क्या लेना पड़ेगा, मास एट मास ऑफ प्लैनेट लेना पड़ेगा। तो जी एम पी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर पी मीन्स रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट आर पी स्क्वेयर। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, डब्ल्यू ई कंपेयर विद डब्ल्यू पी। तो करो कंपेयर, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय व्हाट, जी एम पी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रहता है, क्या क्या रहेगा, अब यहाँ पर एम एंड आर पी रहेगा। ओके, मीन्स देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन बचता है आपका, डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी इज इक्वल टू, अब देखो मास मास मीन्स क्या है, यहाँ पर एम बाय आर है डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर पी है। ओके, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वेयर है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एम पी जहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, मास ऑफ प्लैनेट की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, ए वाला वैल्यू पुट करेंगे, एंड आर पी जहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम ए वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या होता है, इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, ऊपर का मास डिवाइडेड बाय आर एज इट इज रहेगा, ए एम मीन्स क्या है, मास ऑफ अर्थ है। अब देखो एम पी, एम पी के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9 है, इसे मैंने पुट किया एम बाय 9। ओके, एम बाय 9 पुट किया, देन नेक्स्ट डिवाइडेड बाय क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है मीन्स आर पी है, आर पी की जगह पर क्या पुट करूंगा, आर बाय 2 पुट करूंगा, तो पुट किया आर बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ विल गेट कैंसल, एम एम विल गेट कैंसल। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर रहता है आर रहेगा, आर एज इट इज रहेगा, देन नेक्स्ट आर बाय 2 है, आर बाय 2 है तो इसे मैं ऊपर ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बाय 9 एज इट इज रहेगा, आर बाय 9, देन नेक्स्ट आर ऊपर चला जाएगा, आर बाय रेस्ट टू 4। ओके, अब तो अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये भूल गया तो मैं आर स्क्वायर देना। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर विल गेट कैंसल, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रहता है, 9 है, नीचे क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है मीन्स 9/4 आएगा, समझ रहे हो बात को, कैंसिल क्या क्या होगा यहाँ पर, कैंसिल क्या क्या होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया। यस सर। ओके, अब देखो नीचे क्या है, 2 है मीन्स इस तरह से 9/4 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है मीन्स इक्वेशन किस तरह से, देखो 9/1/4 है, इस तरह से इक्वेशन है, देखो एम एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 9/1/4 रह गया। अब 9/1/4 उसे मैं ऊपर लेता हूँ, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 4/9। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्लैनेट है। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ
प्लैनेट आपको फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ प्लैनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या होगा, 9 वेट ऑफ अर्थ एंड 4। ओके, तो देखो वेट ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब वेट ऑन अर्थ सरफेस कितना है आपको पता है, 4.5 है, तो देखो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करो इसे, 9 इंटू 4.5 क्या होगा, 9 फाइव 45, कैरी 4, 9 फोर 36 प्लस 4, 40.45 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर क्या आएगा, वेट एट प्लैनेट कितना आएगा आपका, वेट एट दैट प्लैनेट कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 4 है तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, वो क्या होगा आपका, वेट एट दैट प्लैनेट होगा। समझ रहे हो, 10.125 करेक्ट है। ओके, 10.125 केजी आएगा। ओके, केजी इक्वेशन को समझे, इक्वेशन किस तरह से बन गए, एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर से मैं टॉप टू बॉटम एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, शायद ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, पूछ नहीं तो मैं ठीक से राइट करता हूँ। 40.5 डिवाइडेड बाय 4, चलो स्टार्ट करो राइट अप। सर ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा, वो फ्लैश आ रहा है वहां पर, फ्लैश पर। ओके, हां जस्ट सर स्क्रीन शेयर करो, जस्ट अ सेकंड। हाँ चलो अब दिखाई दे रहा है, yes, हाँ चलो नोट डाउन कर लो फिर। सर इसका यूनिट क्या आएगा, क्या हुआ, क्या इसका यूनिट केजी है ना, देखो 10.125 केजी लिखा है हमने, यूनिट वेट का यूनिट क्या रहता है, केजी रहता है ना। हुआ है क्या, यस सर, हाँ सर, ओके, यस सर। तो अब देखो ये था आपका न्यूमेरिकल। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, देन नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, बिफोर वी एंड्स दिस सेशन I will give to some notice to all of you regarding your test at Sunday. तो देखो संडे को आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपका 25 मार्क्स का या फिर 30 मार्क्स का होगा। ओके, उसके लिए क्वेश्चन बैंक में आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक में लगभग 80 to 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, या फिर 100 तक रहेंगे या फिर 50 भी क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके, उसमें से आपको 25 या फिर 30 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, मीन्स उसमें से आपको 25 या फिर 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, लेसन का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब इसमें से जो जो न्यू स्टूडेंट है, जो जो उस लेसन के लिए एब्सेंट है, वो सिर्फ टेस्ट को अटेंड करो, जितना आपको आता है उतना सॉल्व करो। ओके, बाकी का हम देख लेंगे, जो जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है वो सिर्फ टेस्ट को अटेंड करेंगे, जितना आपको आता है उतना आप सॉल्व करोगे, बाकी का रहने दो। ओके, बाकी का मैं आपको जब सिलेबस रिपीट करूंगा देन नेक्स्ट मैं आपके फिर से उसके लेसन के ऊपर टेस्ट ले लूंगा। ओके, तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते फिर यहाँ पर, चलो एक बार एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन। हाँ ओके, ले गया। ओके हाँ, अच्छा हो याद करके दिया। तो अब देखो आपको क्या दिया है, बॉडी ऑफ वेट कितना दिया है, 4.5 केजी ऑन अर्थ सरफेस, दिया अर्थ सरफेस तो उसका वेट कितना है, 4.5 है।
आपको इसी बॉडी का वेट कहाँ पर कैलकुलेट करना है, अदर प्लैनेट पर कैलकुलेट करना है, बट उस प्लैनेट का आपको मास कितना दिया है, उस प्लैनेट का मास है 1/9 टू द अर्थ, अर्थ का जितना मास है उससे कितना है 1/9 है, एंड रेडियस कितना है उस प्लैनेट का, हाफ ऑफ दैट अर्थ, ओके, अर्थ के रेडियस से हाफ उसका रेडियस है। देन देयरफॉर हमने गिवन डेटा राइट किया, गिवन डेटा में क्या था, डब्ल्यू ई मीन्स वेट एट अर्थ कितना दिया, 4.5 के जी दिया, देन नेक्स्ट मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9, देन नेक्स्ट रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, ऐसा गिवन डेटा हमने राइट किया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन दैट प्लैनेट हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट्स व्हाई डब्ल्यू सफिक्स पी हमें फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, वेट एट अर्थ हमने फाइंड आउट किया, वेट एट अर्थ फाइंड आउट किया तो हमें उससे क्या मिला, एम इंटू जी मिला। अब जी की जगह पर मैंने क्या पुट किया, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर पुट किया, तो दैट्स व्हाई हमारा पूरा इक्वेशन क्या होगा, वेट ऑन अर्थ सर्फेस इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यही इक्वेशन किसके लिए होगा, वेट एट अनदर प्लैनेट के लिए होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जी एम एम की जगह पर क्या होगा, मास ऑफ दैट प्लैनेट स्मॉल एम एज इट इज सेम रहेगा, आर मीन्स रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वेट ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ प्लैनेट को हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, वेट ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्लैनेट किया, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम पी एम डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वायर, तो जी से जी कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या हुआ, एम बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर। तो इसमें से देखो क्या हुआ, एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमने एज इट इज सेम रखा, एम पी मीन्स मास ऑफ प्लैनेट की जगह पर हमने क्या पुट किया, ए वाला इक्वेशन पुट किया, मास ऑफ प्लैनेट की जगह पर हमने मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9 पुट किया, तो एम बाय 9 पुट किया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, तो हमने आर पी की जगह पर आर बाय 2 स्क्वायर पुट किया, तो एम से एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या बच गया, इक्वेशन 9/4 बच गया, 9/4 का हमने रेसिप्रोकल किया, 4/9 आ गया, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 4/9 आपको इक्वेशन मिला। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको वेट ऑफ प्लैनेट मिल गया 9 * वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4, तो वेट ऑफ अर्थ हमने यहाँ पर पुट कर दिया, वेट ऑफ अर्थ कितना है 4.5 है वेट ऑन अर्थ, तो 9 * 4.5 डिवाइडेड बाय 4 तो आपको मिलता है 40.5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको वेट ऑन अनदर प्लैनेट कितना मिला, 10.125 kg मिला। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या, एनी डाउट एनी रिगार्डिंग टुडे न्यूमेरिकल टुडे सेशन, किसी को कोई डाउट है क्या, या फिर किसी को कुछ कोई ऐसी स्टेप जो समझ में नहीं आई हो अराउंड टुडे होल सेक्शन, होल लेसन, होल लेक्चर, इज दैट क्लियर? तो ठीक है, फिर आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल सुबह मिलेंगे। ओके, वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ओके ठीक है, टेक केयर, टेक बाय बाय बाय, ठीक है ऋषिकेश सर, लीव करता हूँ फिर।